बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम आपसे नाज़रा की जॉब्स की डिटेल्स शेयर करेंगे, जो कि ऑल पाकिस्तान से आप इसमें ऑनलाइन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे कि इसमें आपके अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, और फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू विजिटर हैं। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे, वहाँ पर कुछ इस तरह से जुबाइज़ो टाइप करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला लिंक jubaizo.com का शो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। वेबसाइट ऑफिशियली आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखें, आज के दिन में पाकिस्तान में जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स के अनाउंसमेंट किए गए हैं उन्हें यहाँ पर पोस्ट आउट किया गया है। फर्दर यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर जॉब्स आपको अपडेट किया जाता है, आप डेली बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम बात करें नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा की जॉब्स की डिटेल्स, तो यहाँ पर आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे, पोस्ट आपके सामने ऑफिशियली ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन आपसे तमाम शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख वो 16 नवंबर बनती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन बाद तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब से एडवर्टाइजमेंट आया है। इसके अलावा इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका है बैचलर्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कम अज़ कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर 5 साल की आपको उम्र में रियायत दी गई है। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट उन्होंने दी है वो है 30 साल, लेकिन यहाँ पर इसमें 5 साल उम्र की रियायत दी गई है, तो आप अकॉर्डिंगली देखकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो डीपली आपसे शेयर करते हैं। बेसिकली ये जो जॉब्स हैं ये तहसील सपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, इसलिए मैं 30 है यहाँ पर बैचलर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी 14 ईयर्स एजुकेशन, और इसके अलावा बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर दी कंट्री, आपकी लोकेशन आपकी ऑल ओवर दी कंट्री है यानी पूरे पाकिस्तान में है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं जिनकी जो मिनिमम जॉब इनका जो पीरियड है वो 3 महीने का है। इसके अलावा समटाइम्स ये एक्सटेंडेबल भी होती हैं। तो अभी आपसे इसमें अप्लाई का प्रोसेस शेयर करें तो यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा है, जो भी हमने आपको वेबसाइट दिखाई है इस पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नज़र आ रहा है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये आपको पहली ही पोस्ट नज़र आ रही है तहसील सपोर्ट ऑफिसर, इसके ऊपर यहाँ सामने व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने जो है वो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तहसील सपोर्ट ऑफिसर की जो जॉब है, एज लिमिट यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 30 बताई गई थी, लेकिन 5 साल एज उम्र की रियायत दी गई है तो 35 लिखा गया है यहाँ पर। फर्दर इसमें ये डिटेल्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो हमने आपको पहले बताया है वही तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ का लिंक शो हो रहा है इसके सामने, अगर आप ये देखें तो अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के साथ बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैक्सिमम जॉब का जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा ना हो। फुल नेम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजन नंबर यानी CNIC नंबर, इसके अलावा कार्ड इशू डेट, क्या आपका CNIC की इशू डेट क्या है, फादर नेम, इसका जेंडर वगैरह आपने यहाँ पर अपने सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से अप्लाई करें या आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या होगी जहाँ पर आप अप्लाई करें या जहाँ पर आपने जॉब करनी है। फर्दर नेक्स्ट इंटरफेस आपका, अगर आप इसको फिल करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एजुकेशन का, वो भी सिंपल बेसिक क्वालिफिकेशन होती है उसे भी आप फिल करके वर्क एक्सपीरियंस को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें लास्ट में लिखा होगा अप्लाई या फिर सबमिटेड, आप उस पर क्लिक करेंगे, इसमें अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये था इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछें। फर्दर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया जाता है, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं तो आप जो वाइजो की टीम को व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव भी ठहरी होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।